और अभी मैं चली हूँ टेलर भैया की दुकान पे। मम्मी के सलवार सिलनी देनी थी, वो देख आऊंगी। और अचार खत्म हो रखा हमारा, तो अचार लेके आऊंगी। वो अचार लेके आई थी ना पिछली बार मैं यहाँ दुकानों से, तो इतना टेस्टी अचार था ना, सारा खा गए हम। तो अब की बार दो तरह का लेके आऊंगी, मिर्ची का भी और आम का भी। और पार्क के रास्ते से चार, इतना मजा आ रहा है ना पार्क में। वैसे तो गर्मी हो रखी है आज, लेकिन पार्क में गर्मी नहीं लग रही, सही मौसम है। बच्चे खेल रहे हैं, देखो ग्रीनरी ग्रीनरी पूरी मजेदार। भैया वैसे तो उसकी नॉर्मली सलवार बनानी है, पर कुछ और होगा तो फोन करके बता देंगे, ठीक है? अभी मम्मी फोन नहीं उठा रही। हाँ ठीक है, झूले झाले भी लग गए हैं भाई, जन्माष्टमी की तैयारी हो गई है। और ये देखो जन्माष्टमी की पूरी धूम मची हुई है, जब बाजार बिल्कुल सजे हुए हैं, सारी जगह कान्हा जी के झूले हैं, कपड़े हैं, और जो बच्चे कान्हा जी बनते हैं उनके कपड़े हैं। ये आ गई थी मैं, बहुत दिनों बाद मंडी आई हूँ, पर आज शनिवार है, छोटी मंडी लग रही है। मशरूम खरीदी है, उधर नहीं थी मशरूम हमारे पास वाली दुकान पे, तो यहाँ से खरीद ली मैंने मशरूम। बस अब दे आई टेलर के सलवार सिलनी, और अचार भी ले आई हुई है। देखो दो डिब्बे ले आई, एक आम का और एक मिर्ची का अचार, बहुत टेस्टी अचार है ये। तो अभी घर जा रही हूँ मैं, तो ये वाले अचार के डिब्बे लेके आई हूँ मैं, आम और मिर्ची के, अनमोल के डिब्बे हैं, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। अब की बार भी हम आम का अचार डालने वाले थे, लेकिन हमारा डलाई नहीं। हमने हमारे पास वाली जो दुकान है ना, इसको बोला था भैया ले आओ कच्चे आम अचार डाल लेंगे, लेकिन ये लेके नहीं आई, तो रह ही गया हमारा अचार डालना। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हो गई है 25 तारीख, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के आ गई हूँ मैं। और नाश्ता पानी भी मैंने मम्मी के लिए तो बना दी है, रोटियां मम्मी खा के और आंटी के यहाँ चली गई है, कि मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ खाना। और मैंने आज बनाई है पनीर की सब्जी, ऐसे ही पनीर छोंक दिया, ये देखो थोड़ी सी सब्जी बनाई है। और रोटी बनाऊंगी अभी, तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ। तो खाना पीना हो गया है हमारा, बस अभी कपड़े धो लेती हूँ, मशीन लगाऊंगी आज ही। चादर चेंज करी है तो बेड की, तो वो धोनी है मेरे को, और कुछ कपड़े हैं वो। और ये परसों धोए थे, ये भी सूख गए हैं। और कल इतनी जबरदस्त वाली गर्मी हो रखी थी ना, उमस हो रखी थी, तो मैं सोच रही थी कि कल बारिश आएगी, पर दिन में तो आई नहीं, रात को तेज वाली बारिश आई। पिया क्या कर रही है? आ जा, सिया आ गए भाई, कम आ गई है सिया मेरे पास। और कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, तो इनको सुखा देती हूँ अभी, एक बार और मशीन लगाऊंगी, एक बार की और धुलने बाकी है। अभी मैं चली हूँ कान्हा जी की ड्रेस लेने, कल जन्माष्टमी है ना, तो नए नए कपड़े ले आते हैं अभी कान्हा जी के भी। और ये व्लॉग भी जन्माष्टमी वाले दिन मतलब कल ही आएगा, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेके आए। चलो अभी कान्हा जी के लिए ड्रेस खरीद लेती हूँ। और मेरे को है ना दो कलर की ड्रेस चाहिए, दो ड्रेस चाहिए, मतलब एक येलो कलर की एक ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन कलर की है वो छठी वाले दिन पहना लेंगे, एक छठी वाली ड्रेस चाहिए ना, और एक कल पहना लेंगे जन्माष्टमी वाले दिन। तो चलो ड्रेस खरीद लेती हूँ, खरीद के फिर दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सी खरीदी है। ये दो तो ड्रेस ले आई, एक येलो कलर की और एक ग्रीन कलर की कान्हा जी की, और दो ये क्या बोल रही थी मैंने तो? आसन। और ये टोपियाँ ग्रीन और येलो सेम कलर की लेके आई, सेम डिजाइन है। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, तो मैं लग जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज मेरे को खाना जल्दी बनाना है, खा पी के और फिर हम जाएंगे संतोष आंटी के घर, तो वहाँ पे मेहंदी लगाएंगे सारे इकट्ठे होके। तो अंजू दीदी भी आई हुई है, उनके बच्चे हैं पुनीता, मैं, मम्मी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मेहंदी लगाएंगे। कल फंक्शन है ना, उसकी तैयारी करेंगे। तो पुनीता ने बोला था जल्दी आ जाना, 8 बजे तक आ जाना सारे काम निपटा के, तो इसीलिए बस फटाफट अभी खाना बना लेती हूँ। तो मैं है ना, मेरे और सुमित के लिए तो मशरूम की सब्जी बना रही हूँ, और मम्मी के लिए दलिया बना रही हूँ। मम्मी बोली मैं मशरूम की सब्जी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए दलिया बना दे। तो बस अभी लग जाते हैं खाना बनाने। तो लग गई हूँ सब्जी बनाने, प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब मैंने भून लिया, और यहाँ पर मम्मी का दलिया बनना रख दिया, और टेलर भैया आ गए थे बीच में, और ये निकल गया दलिया, ये देखो उधर बाहर चली गई मैं, और आई इतने दलिया निकला मिला, फुल गैस थी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फुल कर रखी थी, मैं बाद में सिम करूंगी, इतने में निकल ही गया। यहाँ मशरूम धो के रख ली है मैंने, बस एक खाना बना के नहा धो ली हूँ मैं, और बस अभी खाना खा लेती हूँ। मम्मी ने तो अपना दलिया खा लिया है, वैसे मैंने सारे टोटली काम निपटा दिए हैं, दही तक जमा दिया, कहा था कि आके कुछ भी काम ना करना पड़े,
बस अभी खाना खा के और निकलते हैं मेहंदी लगवाने के लिए, लगाने के लिए भी और लगवाने के लिए भी। तो देखते हैं कई सारे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे का लगाएंगे मेहंदी, बहुत मजा आएगा। चलो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर चलते हैं। खा लिया पी लिया, अभी चलते हैं संतोष आंटी के घर। दरवाजे बंद कर देती हूँ सारे, और अभी टाइम क्या हो गया, 9:15 हो गए। और पुनीता मेरे को ये कह रही थी, पहले तो ये कहने लगी 7-7:30 बजे आ जाना जल्दी, मेहंदी लगाएंगे, माँ 7-7:30 बजे तक काम नहीं होएगा। फिर बोली ठीक है 8-8:30 बजे तक आ जाना। तो फिर मैंने अभी काम करके सारा, और 9:15 बजे के आसपास मैंने उसके पास कॉल किया था कि आ जाए, तो बोली नहीं अभी 10 मिनट बाद आना। कर दी सजावट मंदिर की, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। हैं दोनों साइड ये पौधे रख दिए, ओल की सजावट होगी। अच्छा देख के आती हूँ उधर। और अभी हम संतोष आंटी के घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचते ही हमने देखा कि पुनीता लगी हुई है सजावट करने में, कल के फंक्शन की तैयारी कर रही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शन आने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ कल जन्माष्टमी वाले दिन क्या है। किसी किसी ने तो गैस भी कर लिया था। तो कल है संतोष आंटी के पोते का अनुप्राशन, मतलब पुनीता के लड़के का आदित्य का अनुप्राशन है जन्माष्टमी वाले दिन का। तो पुनीता ने पहले ही सोच लिया था कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही करूँगी, बहुत ही शुभ और अच्छा दिन है, तो उसी की तैयारी में। मंदिर है पत्थर का और लकड़ी का मंदिर, इतना महंगा सही हो गए ना, पानी डाल के गुलाब के फूल डाल के रख देंगे, एक दो इधर रख देंगे, एक दो सुंदर डाल के। और सजावट ऑलमोस्ट हो चुकी है, मंदिर भी सज गया है, और यहाँ हॉल में देखो कितनी बड़ी आप बड़ी पिक्चर लगा रखी है जिसमें कृष्ण और ये यशोदा मैया है, बीच में लिख रखा है अनुप्राशन सेरमनी आदित्य, और ये बीच में देखो गुलाब के फूलों से कितना सुंदर बना रखा है ना, और चारों तरफ ये लटकन लगा रखी है फूलों की, और ये अभी तो ये झूला भी सजना बाकी है, झूला और एक चेयर भी सजाएंगे, तो ये दो चीज़ अभी सजनी बाकी हैं। और अभी आप देखो भी पुनीता की भाभी आई हुई है, तो वो पुनीता के लिए, बच्चों के लिए और घर वालों के लिए क्या क्या सामान लेके आई है, वो सामान देखो। रक्षाबंधन के नाम के थे ये, वो थोड़ा कुछ खराब निकला है, सुंदर है, छोटे छोटे एकदम प्यारे, ये आदि के अन्नप्राशन, आदि के दिखाओ। अच्छा ये हाथ में पहनने वाले अनुप्राशन के नाम के। सही मैं और ये 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 तो अंजु दीदी की है साड़ी, ऊपर वाली, ऊपर वाली ना, हाँ ये अंजु दीदी की, ये पुनीता की, पुनीता की साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, ये आंटी का, आंटी की साड़ी, ये आदि का है, ये आदि का, सिया का देखो, तो भाई देखो सिया का बहुत सुंदर प्लाजो वाला, हाँ ये उस टाइम ले आए थे ये वाला, हमें बहुत दिन हो गए थे, सुंदर बाबू के, और इसके तो हम बहुत दिन पहले के ला रहे हैं, आदि के अब लाए थे, बच्चे लड़के आ गए हुए हैं सब तो प्यारे हैं, सिया के तो इतने कपड़े, इतने दुनिया जहान के कपड़े, कौन से दीदी, अच्छा ये मानो भैया के, सब के मैचिंग है, ये अपने नहीं है दीदी, अच्छा मैच मैच है, मैच कपड़े, नहीं पता ये शायद कार्तिक लाए है कि पता नहीं किसके हैं, ये मोसा जी का है, ये अंकल का, सही में कढ़ाई खर्चा कर के ले आए, एक खर्चा को नहीं, देख सिया के स्लीपर आ गए तो ढूंढे थी साइज देख लेना, एक बच्चा एक बना लेना, हां बना के, और ये चूड़ियां पुनीता की, हां इसमें सिया की चूड़ियां है, सिया की बापू ने दिखाई, अच्छा दिखा, और ये हेयर बैंड, ये सारी चीजें तो इतनी है, ये सुंदर, और ये मैं ये सारा की चूड़ी है, चूड़ी लानी पर्पल वाली की, ये कड़े बहुत सुंदर है, ये सिया की, हाँ सुंदर है,
साइज देख लेना सिया की। हाँ ये वाली सही आएगी है ना, सही है सारी, बड़ी चीज बढ़िया। मम्मी तो मेहंदी लगाने लग गया आंटी का, और अभी सभी है ना मेहंदी लगवाने में और लगाने में जुटे हुए हैं, तो मैं पुनीता की भाभी को लगा रही हूँ मेहंदी। एक हाथ पे तो मैंने लगा दी है, दूसरे पे लगा रही हूँ, और पुनीता लगा रही है सिया को, और सब है ना अपने हाथों में आदित्य का अनुप्रासन ये जरूर लिख रहे हैं, किसी भी हाथ में लिख लो मेहंदी से। और मम्मी ने आंटी जी को लगा दी और अभी खुद को लगा रही है, और मैंने भी है ना मतलब एक हाथ पे तो खुद लगा ली थी और एक हाथ पे अंजू दीदी की लड़की ने लगा दी थी। तो आज तो है ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे शादी से पहले मेहंदी फंक्शन होता है ना, तो उसमें एक दूसरे से मेहंदी लगाते, तो वैसी फीलिंग आ रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। ये देखो लग गई है मेरी मेहंदी, सुमित का नाम लिख लिया है, देखा ये मैं नाम तो दिखा ही नहीं मैंने, ये सा छोटा सा है दीदी ने लिखा, अंजू दीदी ने नाम लिख दो रथ जाएगा या सुबह तक, सुबह तक हो जाएगा। और इधर राधा कृष्ण का नाम लिख लिया, सुबह तक अपने पतियों के नाम पे रंग चढ़ जाएगा। इधर आदित्य का अनुप्रासन, इधर आदित्य का नाम लिख लिया, तो सबके नाम हो गए कि मैं कह भी दे कोई तो आद ने आगे कर दिए, नाम पढ़ ले वो टाइम देखो 12:30 बजे है, 12:30 बजे हाँ बरत शुरू हो गया, इवे मारी मैं फिर उठी ना है उठेगी लग गया सबको ये बीच में एक गोला बना दिया, हाँ झंडी पाड़ दिया बना लो सोन लग, हाँ तो फिर गोला तो बना लिया लिया चल पड़े हम तो लग गई हमारी मेहंदी। और चेयर और झूला भी सज गया, तो पहले चेयर को देख लो कितनी फूलों की ये आर्टिफिशियल फूलों की माला लगा रखी है, और ऊपर चंदे लगा रखी है मोर पंख, और ये झूला देखो कितना सुंदर सजा रखा है ना, पूरे में फूलों की माला, और ये मटकी टांग रखी है, तो ये कल आदित्य से मटकी फोड़वाएंगे मतलब सोन सा करवाएंगे, ये मिट्टी डग गई ना, मिट्टी डग गई ये तो साथ लेके आए, पहले लेके हैं ये बच गई और लड़ी माला, अब तो ये फंक्शन में काम आया करेंगी, क्या इसमें लड़ी ना लड़ी, हाँ। लड़ी ये कौन सा खराब हुआ है, टेप चिपका रखी है, उतारेंगे ना तो मेरे खराब हो जाएंगे, उतारने की क्या जरूरत है, टेप पर नहीं इसके गिल्ले चिपके रहने देंगे, ये सुबह लगाएंगे दीदी यही रख देना। ये देख मम्मी का एक हाथ बचा था तो इस पे भी लगा दी है मैंने मेहंदी, और राधा कृष्ण ने लिख दिया है बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा ये एक छोटा सा फूल बना दिया, दोनों हाथों पे लग गई। और अभी है ना 1:19 हो गई है, तो सो जाते हैं अभी, और इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।